नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6-12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर होगा। और इस किताब से हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर सी, जो कि आपका चैप्टर है जैव विविधता। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 6 आ गया है और पार्ट नंबर सी वन्य जीव अभयारण्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका है तेलंगाना, तीसरा आपका है बिहार, चौथा आपका है चंडीगढ़, पांचवा छत्तीसगढ़। तो जो भी आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसको हम लोग स्टेट बाय स्टेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसको पढ़ते हैं। तो कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरू वन्य जीव अभयारण्य, पुलिकट वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य, श्री सैलम वन्य जीव अभयारण्य और प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका है तेलंगाना राज्य में वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन सा है। तो नागार्जुन सागर, श्री सैलम वन्य जीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य और किन्नेर सानी वन्य जीव अभयारण्य। तो आपका नागार्जुन सागर, श्री सैलम और प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आपका है। बिहार में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका है बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली युवा सहनी पश्चिम बिहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कांवर झील, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है अचान कमार और सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य। गोवा में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है भगवान
महावीर या फिर मोलेम वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर आपका गिर वन्यजीव अभयारण्य, कच्छ की खाड़ी या फिर मोरिन वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर नारायण सरोवर या फिर चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य आपका गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपका 3 वन्यजीव अभयारण्य है। तो एक आपका है चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य, पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य और रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका है चांगथाल सित मरुस्थल होकेटसर और सुरिनसर मानसर आपका वन्यजीव अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका है डालमा गौतम बुद्ध हजारीबाग पारसनाथ पलामू और तोप चंची वन्यजीव अभयारण्य। कर्नाटक में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है डांडेली घाट प्रभा चिंचोली ताल कावेरी, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर्नाटक का है। केरल में आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है थट्टेकड़ इदुकी नैयार परामबिकुलम मालाबार पेरियार वायनाड और कुमारा कॉम आपका वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है बोरी गांधी सागर राष्ट्रीय चंबल पन्ना ताता पानी और सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है फनसाड बोर कलसुबाई हरिश्चंद्र घाट वन्यजीव अभयारण्य, मेलघाट नागजीरा पच्ची पेनगंगा उमरेत करहांडला वन्यजीव अभयारण्य। ओडिशा में जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है भितरकर्णिका चिल्का गहिरमाता या फिर मैरिन नंदन कानन सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य आपका ओडिशा में स्थित है। पंजाब में आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है हरिके झील। राजस्थान में आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है माउंट आबू सरिस्का जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल और वन विहार।
तमिलनाडु में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है कोडाईकनाल नेल्लई पॉइंट कैलिमर पुलिकट झील सत्यमंगलम कलक्कड़ इंदिरा गांधी अन्नामलाई और वेदांतंगल वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है बखीरा कैमूर महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल ओखला पक्षी और पटना पक्षी बिहार। दिल्ली में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है असोला भाटी या फिर इंदिरा प्रिय दर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है पखुई और शेषा आकीर। आसाम में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है दीपोर बिल। पूर्वी कार्बी आंगलांग लाबो खोबा। मिजोरम में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है डम्पा और थोरांग। सिक्किम में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है किताम और पांगोलखा। त्रिपुरा में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है गुमटी और सिपाही जाला। नागालैंड में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है फाकिम वन्य जीव अभयारण्य। उत्तराखंड में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम ऊपर में एक बार रिवाइज करते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। तो आपका था वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो जल्दी से हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे स्पीड में। तो आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है कोरिंगा कोलेरू पुलिकट नागार्जुन सागर श्रीशैलम और प्राणहिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम प्राणहिता और किन्नरसानी वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है बरेला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी बिहार भीम बांध गौतम बुद्ध कांवर झील कैमूर वाल्मीकि विक्रमशिला और आपका गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है सुखना झील। छत्तीसगढ़ में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है अचान कमार और सीता नदी। गोवा में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है भगवान महावीर मोलेम। गुजरात में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर कच्छ की खाड़ी मोरिन नल सरोवर नारायण सरोवर चिंकारा पूर्णा और जंगली गधा वाइल्ड लाइफ। हिमाचल प्रदेश में आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है चंद्रताल पोंग डैम झील और रेणुका झील। जम्मू कश्मीर में आपका जो झील का नाम है वन्य जीव अभयारण्य का नाम है उसका नाम है चांगथाल सित मरुस्थल होकेटसर और सुरिनसर मानसर। झारखंड में
डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची, कर्नाटक में डांडोली, डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, हाफताल, कावेरी, केरल में थद्देकड़, इदुक्की, नैयार, परम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकोम, मध्य प्रदेश में है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन घड़ियाल, महाराष्ट्र में आपका है फनसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमृतकर्ण, हांडाला। उड़ीसा में है भीतरकर्णिका, छिलका, गहिरमाथा मेरिन, नंदनकानन, सतकोसिया गॉर्ज, सिमलीपाल। पंजाब में आपका है हरिके झील। राजस्थान में आपका है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन बिहार। तमिलनाडु में आपका है कुड़ाई कनाल, निलई पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई और या प्रधान थंगल वन। उत्तर प्रदेश में आपका है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, उखला पक्षी और आपका पटना पक्षी बिहार। दिल्ली में आपका है ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में है पकवी सेसाकिड, आसाम में आपका है दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लावा खोवा, ठीक है। मिजोरम में आपका है दम्पा और थुरांट लगा। सिक्किम में आपका किताम और पांगो लखा। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाला, ठीक है, ये आपका वन्यजीव अभयारण्य। नागालैंड में फाकिम वन्यजीव अभयारण्य और उत्तराखंड में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आपका है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस तो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस तो मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस तो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस तो 22 मई को ये मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को ये मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस तो आपका ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस तो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस था, तो एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, जल्दी से स्पीड में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस
22 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व प्राग दिवस 29 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस एक मिनट। यहां पर एक और पढ़ लेते हैं। भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो नीलगिरी, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आपका नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नंदा देवी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये आपका उत्तराखंड में है। नोकरेक 1988 और ये आपका मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी 1989 और ये आपका तमिलनाडु में है। सुंदरवन, ये आपका पश्चिम बंगाल में और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मानस जैव मंडल, इसकी स्थापना 1989 में और ये आपका असम में है। ग्रेट निकोबार, इसकी स्थापना 1989 में और ये आपका अंडमान निकोबार में है। शिमलीपाल, इसकी स्थापना 1994 में और ये आपका उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा, ये आपका असम में और इसकी स्थापना 1997 में। दिहांग दिवांग, इसकी स्थापना 1999 में और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी, इसकी स्थापना 1999 में और ये आपका मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में और ये आपका राज्य सिक्किम में है। अगस्ता मलाई, ये आपका तमिलनाडु केरल राज्य में और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अचान कमार अमरकंटक, इसकी स्थापना 2005 में और ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। कच्छ केरन, इसकी स्थापना 2008 में और ये आपका गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट, इसकी स्थापना 2009 में और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। शेषालम चलम पहाड़ी, तो शेषा चलम पहाड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में है और ये आपका जो है 2010 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था। पन्ना, ये आपका
मध्य प्रदेश में है और ये आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र 2011 में घोषित हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं जल्दी से स्पीड में, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो आपका 1986 में नीलगिरी जैव मंडलीय जो है आपका आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था, जो कि आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो आपका है उत्तराखंड में राज्य है, उत्तराखंड राज्य में, और इसको जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो आपकी 1988 में घोषित किया गया था। नोकरेक आपका मेघालय में, और इसको 1988 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मन्ना की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में, और इसको 1989 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सुंदरबन आपका जो है पश्चिम बंगाल में, और इसको 1989 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मानस आपका जो आसाम में है, और इसको 1989 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार में, और इसको 1989 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और इसको जो है 1994 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। डिब्रू सैखोवा आपका असम में है, और इसको 1997 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, और इसको 1999 में जो कि आपको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और इसको 1999 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कंचनजंगा आपका सिक्किम में, और इसको वर्ष 2000 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगस्ता मलई आपका तमिलनाडु केरल राज्य में, और इसको 2001 में जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अचान कमार अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इसको वर्ष 2005 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कचकरण आपका जो है कि गुजरात में, और इसको जो है वर्ष 2008 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कोल डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में, और इसको 2009 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। शेषालम चला पहाड़ी ये आपका जो है जो कि आंध्र प्रदेश में, और इसको 2010 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2010 में। पन्ना आपका जो है पन्ना आपका जो कि मध्य प्रदेश में, और इसको 2011 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2011 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस तक। कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर डी होगा, जो कि आपका रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्र भूमि। ठीक है, और अभी आपका जो है प्रेजेंट में 75 हो गया। ठीक है, तो अभी जो इसमें लिखा उसको पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बस तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।